मेरे पास अभी ब्लॉगर की वेबसाइट है और यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट इसमें ऐड किया गया है। अब ये किसी भी थीम के अंदर आप ऐड कर सकते हो कुछ इस प्रकार का टेबल ऑफ कंटेंट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। सबसे पहले आपको थीम के अंदर जाना है। थीम के अंदर जाने के बाद बैकअप जरूर ले लेना है। बैकअप लेने के बाद HTML एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये तीन कोड मिलेंगे जिनको आपको मैन्युअली पेस्ट करना होगा। फर्स्ट कोड को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमें ये कोड मिल जाता है। उसके ऊपर ही आपको यहाँ पे दो बार टैब करना है और स्पेस देना है। उसके बाद ये जो आपको कोड मिलता है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड है बॉडी। अब बॉडी टैग हमें मिलता है नीचे, तो मैं इसे भी एक बार सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें बॉडी टैग है वो मिल चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जो हमारा जो कोड है यहाँ से लेके स्क्रिप्ट से लेके स्क्रिप्ट तक अब इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें स्लाइड मोबाइल मेन्यू के ठीक ऊपर हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा। जैसे हम पेस्ट करेंगे उसके बाद हमें सेव करना होगा। सेव करने के बाद हमारे पास अब एक कोड मिलता है, वो मिलेगा हमें कोई भी पोस्ट के अंदर डालना है। तो यहाँ पे ये सेव हो जाने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाता हूँ और कोई भी एक पोस्ट, जैसे यानी कि मैं यहाँ पे जैसे ये यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखो टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है। अब मुझे यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा और 2000 इसके ठीक नीचे। तो मैं यानी इस पोस्ट को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे एक टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद एक और स्पेस दूंगा और यहाँ पे कुछ भी नंबर टाइप कर दूंगा और इसे HTML व्यू के अंदर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ यहीं कहीं होगा। तो अगर नहीं मिले तो आप यहाँ पे F दाब के एक दाबोगे, यानी कि यहाँ पे आपको हाईलाइट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुए तो फिर आप यहाँ पे फिर से एक दो दाबोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। फिर भी आपको नहीं मिले तो आप पूरे जो नंबर है उसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर हमें दिखाई दिया। अब हमें यहाँ पे इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है और अपडेट करना है। अभी यहाँ पे आप देखो किसी भी प्रकार की टेबल एड नहीं है या किसी भी प्रकार की टेबल ऑफ कंटेंट है ही नहीं। जैसे मैं इसको रेफरेंस करता हूँ तो यहाँ पे ये एक टेबल ऑफ कंटेंट बन चुकी है। अब इसको आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। और अगर मोबाइल के अंदर मैं आपको अभी आपको दिखाऊँ तो ये कुछ मोबाइल के अंदर कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। यानी रिस्पॉन्सिव टेबल है। ऐसा नहीं है कि ये आपको मोबाइल के अंदर कुछ अलग देखने को मिलेगा, नहीं, मोबाइल के अंदर भी आपको बहुत अच्छी ये देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अब ये मिलेगी कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको आना है ऑनलाइन क्रेडिट थीम के अंदर और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट कोड के नाम से, यानी CODE के नाम से आपको एक कोड मिलेगा। उस कोड पर क्लिक करोगे तो आपको एक ये पूरा का पूरा जो पेज है वो मिल जाएगा। उससे आप किसी भी थीम के अंदर अपना टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस प्रकार का एडिट कर सकते हो। बाकी ये एक थीम है, न्यूज थीम है, मैं भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कितनी गजब की थीम है। यहाँ पे आप एड लगा सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरह की थीम अगर आपको डाउनलोड ऐसे कस्टमाइज करनी है वो सीखना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कर देना। मैं आपको सिखा दूंगा कैसे आप इस तरह की थीम है वो डिजाइन कर सकते हो जो की फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद। आए हम उससे पूछो किसे कहते हैं रोना, हम उससे पूछो क्या होता है खोना, 99 में खो दिया पिताजी को।